हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और ट्रैवल गाइड वीडियो में। आज हम लवासा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम लवासा कैसे जाए, लवासा कब जाए, लवासा में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, लवासा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और हम ये भी जानेंगे कि हम लवासा में कहाँ पर रुक सकते हैं, और एंड में हम ये भी जानेंगे कि हमें पूरा लवासा एक्सप्लोर करने कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट अब तक मिलता जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लवासा कैसे पहुंचे। लवासा जाने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। हम बाय रोड से जा सकते हैं, बाय ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर हम बाय प्लेन से भी जा सकते हैं। अगर उसमें से पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है बाय प्लेन की। तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है पुणे, फिर आपको पुणे एयरपोर्ट से बाय कैब से या फिर बाय बस से आप लवासा सिटी जा सकते हो। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है बाय ट्रेन। अगर आप बात करें नियरेस्ट स्टेशन की तो वो है पुणे का ही रेलवे स्टेशन है, फिर आप रेलवे स्टेशन पर जाके बाय बस से या फिर बाय कार करके आप लवासा सिटी पहुंच सकते हो। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की तो वो है बाय रोड से। अगर बाय रोड से जा रहे हो, मीन्स बाय कार से या फिर बाय बस से, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम भी काफ़ी सेव होगा और आप इजीली लवासा पहुंच सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बाय ट्रेन से या फिर बाय प्लेन से जा रहे हो तो आप पुणे से आप कार या फिर बाइक रेंट करिए, जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा और आपको लवासा सिटी पूरी एक्सप्लोर करने आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। सो आप कार या फिर बाइक जरूर रेंट करें पुणे से। अब हम जान लेते हैं कि लवासा में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। लवासा एक सिटी है जिसे इटली के एक टाउन के रूप में बनाया गया है। यहाँ पे आपको इटली की तरह आपको बड़े बड़े बंगलों या फिर बड़े बड़े होटल सबको देखने मिल जाएंगे। अगर आप लवासा जाते हो तो लवासा जाते टाइम आपको एक पॉइंट दिखेगा जो आपको काफ़ी सुंदर और आपका मन मोह लेगा। उस पॉइंट का नाम है टेमगर डैम। अगर आप लवासा जा रहे हो, अगर आपको टेमगर डैम देखना है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर दृश्य आपको जरूर पसंद आएगा। जैसे आप लवासा सिटी में एंटर करते हैं, आपको बड़े बड़े लग्जरियस टाइप के बंगलों आपको देखने मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे खूबसूरत होटल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। लवासा सिटी ना बल्कि टूरिस्ट लोगों के लिए भी अच्छे है, बल्कि फोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छी प्लेस है। काफ़ी लोग यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करने भी आ जाते हैं। अगर बात करें लवासा सिटी की, लेक के चारों ओर पूरी लवासा सिटी बसी हुई है, तो जो काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं आपको, हर आपको बंगलों से कि आपके हर होटल से आपको लेक का व्यू आपको देखने मिल जाएगा। इस लेक में आप काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हो, जैसे कि बोटिंग, जेट स्कीटिंग या फिर हम बोल सकते हैं कायाकिंग, ऐसे सारे बहुत सारे आप बोटिंग वगैरह वहाँ पे कर सकते हो। अगर बात करें लवासा में बेस्ट टाइम टू विजिट, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मानसून में आप जरूर जाए, क्योंकि मानसून में जो नज़ारा होता है, जो ग्रीनरी रहती है, काफ़ी दर्शनीय होती है। आपको सारा नेचुरल आपको ग्रीनरी देखने मिल जाएगा और आपका जो भी आपका सफ़र होगा वो काफ़ी मंगलमय होगा और काफ़ी आप उसे एंजॉय भी करेंगे। अगर बात करें लवासा की, तो लवासा आप साल भर में कभी भी जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर आप पूरी ग्रीनरी का मजा लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जून से लेकर दिसंबर या फिर जनवरी महीने तक आप विजिट करें। अगर बात करें लवासा में खाने पीने की सुविधा क्या है, तो आपको काफ़ी सारे प्राइवेट होटल्स वहाँ पे दिख जाएंगे, काफ़ी अच्छे होटल्स है और काफ़ी अच्छा फूड भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर टाइप का आपको फूड वहाँ पे मिल जाएगा, इंडियन, साउथ इंडियन, नॉन इंडियन, चाइनीज वगैरह, हर टाइप का फूड आपको वहाँ पे मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी तरह का और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फूड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर बात करें वहाँ पे थाली सिस्टम का, तो आपको थाली 150 से 200 या फिर 500 तक थाली आपको मिल जाएगी। अब आपके हिसाब से आपके बजट के हिसाब से आप बुक कर सकते हो। अगर बात करें लवासा में कितने दिन रहना चाहिए, तो लवासा अगर आप मुंबई से जा रहे हो या फिर आप दिल्ली से आ रहे हो, तो आपको लवासा एक दिन में इजीली आपका एक्सप्लोर करके हो जाएगा। वहाँ पे आप स्टे करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आप स्टे करना चाहते हो तो आपको होटल्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, जिनका आपको रेंट है वो दिन का 1500 रुपये से लेके 5000 के बीच में आपको आ जाएगा। अगेन आपके बजट के हिसाब से आप होटल बुक कर सकते हो। अगर बात करें लवासा घूमने के लिए कुल खर्चे की, तो अगर आप दो जन जा रहे हो तो ये खर्चा आपको काफ़ी अच्छा मैनेज हो जाएगा। अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो आपको 1500 से 1600 रुपए के बीच में पर खर्चा आ सकता है। इसमें मैंने जोड़ा है कि आप अगर आप पुणे आते हो, अगर पुणे से आप बाइक रेंट करते हो, तो उसके जो बाइक के चार्जेस है तो वो है 350 रुपीज़ बाइक के चार्जेस है। अगर उसमें आप पेट्रोल डलवाते हो तो मिनिमम 400 रुपये का पेट्रोल जाएगा, तो वो हो गए 700 रुपये। फिर लवासा में पार्किंग की फ़ीस है 200 रुपीज़, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप खाने पीने का खर्चा अगर जोड़ेंगे तो मैंने उसमें 500 रुपये का
खाने पीने का खर्चा जुड़ा है। इस हिसाब से आपके 1500 रुपये हो जाते हैं, जो 1500 रुपये में इजी घूम के हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दो लोग हो तो वही खर्चा आप में दोनों में डिवाइड होगा। जो भी आपका कार या फिर बाइक रेंट का खर्चा होगा वो आप दोनों में डिवाइड होगा। जो भी आपका पेट्रोल का खर्चा होगा वो भी आपका डिवाइड होगा। तो इस हिसाब से अगर आप दो लोग हो तो आपको वही खर्चा 1200 से 1300 रुपये के बीच में खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी लवासा के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।